बात चाहे बजट कार्स की हो या फिर सेफेस्ट कार्स की या फिर फीचर लोडेड कार की, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सभी तरीके की कार्स अवेलेबल हैं और उनकी सेल्स भी काफी शानदार हो रही है। जहां लास्ट मंथ लगभग 3.5 लाख के आसपास गाड़ियां बिकी थी, वहीं इस महीने 3,91,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं अक्टूबर 2023 में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने अक्टूबर 2023 में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की 14 पोजीशन पर आने वाली जीप के साथ। 507 यूनिट्स बेची हैं अक्टूबर 2023 में। लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो 481 ही बेची थी, ग्रोथ हुई है सेल्स में। 13 पोजीशन पर सिट्रोइन 630 यूनिट्स बेची हैं, लास्ट मंथ 748 बेची थी, लगभग 15% की सेल्स डाउन हुई है। इसके बाद निसान इंडिया 2573 यूनिट्स बेचे हैं अक्टूबर 2023 में। लास्ट मंथ सितंबर में 2454 बेचे थे, सेल्स अच्छी हुई है इस महीने अक्टूबर के महीने में। इसके बाद रेनो इंडिया 3861 यूनिट्स बेची हैं अक्टूबर 2023 में। रेनो की तरफ से 3 प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, सेल्स ठीक ठाक हो रही है। इसके बाद है फॉक्सवैगन 4089 यूनिट्स बेचे हैं अक्टूबर 2023 में। सितंबर में 3568 बेचे थे, सेल्स काफी अच्छी हो रही है। फॉक्सवैगन वर्टस और फॉक्सवैगन की टाइगुन काफी अच्छा बिक रही है मार्केट में। इसके बाद स्कॉडा इंडिया 4566 यूनिट्स बेचे हैं अक्टूबर 2023 में, 4032 बेचे थे सितंबर 2023 में। यहां पर सेल्स काफी अच्छी हुई है इस महीने, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है इसीलिए सेल्स भी अच्छी हो रही है और नवंबर में भी आपको ऐसी ही शानदार सेल्स देखने को मिलेगी। इसके बाद MG 5108 यूनिट्स बेचे हैं अक्टूबर 2023 में, 5003 बेचे थे सितंबर में। सितंबर से अक्टूबर के महीने में सेल्स थोड़ी अच्छी हुई है। MG की तरफ से भी बैक टू बैक लॉन्चेस और अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद होंडा 9400 यूनिट्स बेचे हैं होंडा ने अक्टूबर के महीने में, लेकिन 9861 बेचे थे सितंबर में। सेल्स थोड़ी सी डाउन हुई है होंडा की। रिसेंटली एलिवेट को लॉन्च किया गया है, काफी मैसिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। साथ ही साथ होंडा सिटी और अमेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन होंडा एलिवेट के आने के बाद सेल्स काफी अच्छी हुई है। इसके बाद टोयोटा 20,542 यूनिट बिके हैं और ये 6 पोजीशन पर आ गई है। लास्ट मंथ ये 5th पर चली गई थी 22,168 यूनिट्स के साथ में। 5th पोजीशन पर किया इंडिया 24,351 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर 2023 में, 22,022 बिके थे सितंबर में। सेल्स काफी अच्छी हुई है लास्ट मंथ से भी और बैक टू बैक अपडेट इसमें भी मिल रहे हैं। इसके बाद महिंद्रा 43,708 यूनिट्स बिके हैं। लास्ट ईयर में आपने देखा होगा 30,000-35,000 तक यूनिट्स बिकते थे और कहां सीधे 43,000 का आंकड़ा छूने में ये कामयाब हो गई है अक्टूबर में। वहीं सितंबर के महीने में 41,267 यूनिट बिके थे, 5.91% की सेल्स में ग्रोथ हुई है। और महिंद्रा की तरफ से भी SUVs जो है मार्केट में दबदबा कायम करने में कामयाब रही हैं। साथ ही साथ अगर आपका बजट 15 से 25 लाख रुपए में है तो यहाँ पर महिंद्रा की तरफ से आपके पास कई सारी चॉइसेस मिल जाती हैं। थर्ड पोजीशन पर टाटा मोटर्स 48,637 यूनिट बिके हैं अक्टूबर 2023 में, सितंबर में 44,850 यूनिट बिके थे। लास्ट ईयर भी सेल्स ऐसी ही रहती थी 40-45, लेकिन 2-3 साल पहले की बात करें तो सेल्स 20-22-25 हज़ार तक जाती थी, जो कि अब 50,000 तक पहुंचने वाली है। ये सभी श्रेय जाता है टाटा अल्ट्रॉज, टाटा नेक्सॉन, सफारी, हैरियर, इन सभी हैरियर फेसलिफ्ट, सफारी फेसलिफ्ट। और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर भी बड़े बड़े लॉन्चेस हैं, पूरे साल आपको देखने को मिलेगा टाटा कर्व का लॉन्च, ईवी का लॉन्च, हैरियर सफारी का पेट्रोल वर्जन, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको पंच ईवी भी देखने को मिल सकती है। अपकमिंग कार्स वाले वीडियो में डिटेल से हमने ऑलरेडी बता दिया है। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड है Hyundai इंडिया, 55,128 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर लास्ट मंथ 54,241 यूनिट बिके थे। लास्ट मंथ से इस मंथ सेल्स काफी अच्छी हुई है और नॉर्मली इसके 45,000 से 50,000 यूनिट आराम से बिक जाते हैं और अब ये 55,000 से भी ज्यादा गाड़ियां बेचने के साथ सेकेंड पोजिशन पर लगातार बना हुआ है। और अगले साल को भी बड़े बड़े अपडेट देखने को आपको मिल सकते हैं Hyundai की तरफ से, जिसमें सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है Hyundai Creta फेसलिफ्ट का। और इसके साथ ही अल्काज़ार में भी बड़े अपडेट देखने को आपको मिलेंगे। हर बार की तरह इस बार भी नंबर 1 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, 168,047 यूनिट बिके हैं अक्टूबर 2023 में और 150,812 बिके थे सितंबर में। 11% की सेल्स में ग्रोथ हुई है। फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी तो बैक टू बैक बिकता है। मारुति सुजुकी की तरफ से बैक टू बैक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही मार्केट में आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग SUV, सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां और यहां पर सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार्स का वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।